नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका अपना सचिन चौहान आपके अपने YouTube चैनल अपनी मिट्टी में आपका स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज पहुंचे हैं अपने ही खेत में। जैसे कि आप देख रहे हैं, गन्ने की फसल, गन्ना खड़ा है सामने और गन्ने के बीच में पॉपुलर के पेड़। इस बार जो था कि इस खेत में सरसों की फसल थी। किसान साथियों, सरसों को मार्च के मिड तक या लास्ट तक काट लिया गया था और सरसों के बीच में ही जनवरी के महीने में इस खेत में पेड़ लगवाए गए थे पॉपुलर के, और मार्च के लास्ट में सरसों को काट कर गन्ने की बिजाई की गई थी अप्रैल के मिड तक। और ये आपके सामने रिज़ल्ट, मैं थोड़ा हाइट पर खड़ा हूँ, थोड़ा नीचे आता हूँ, सही आकार में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए किसान साथियों, गन्ने की फसल और बीच में पॉपुलर के पेड़ उगे हुए हैं। और हम अक्सर ऐसा इसलिए करते हैं किसान साथियों, क्योंकि ये अपना अनुभव है हमारा। जितनी बार भी हमने पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं, उस खेत में हमने गन्ने की बिजाई ज़रूर की है। और जब जब जिस भी खेत में गन्ने की बिजाई की है और पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं, कुछ नेचुरल सी बात है कि उस खेत में पॉपुलर के पेड़ बड़े अच्छे हुए हैं। हो सकता है किसान साथियों, सभी का अपना अपना एक्सपीरियंस हो, सभी का अपना अपना अनुभव हो, लेकिन मैं आपको अपने यहाँ अपने इस एरिया के बारे में बता सकता हूँ। हमारे इस पूरे एरिया में जितने भी लोग पॉपुलर के पेड़ लगाते हैं, वो सभी पॉपुलर के खेत में गन्ने की बिजाई ज़रूर करते हैं। जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं, जो जानते हैं उन्हें तो पता है, जो नए साथी किसान भाई चैनल पर जुड़े हैं उन्हें बता देना चाहूँगा, हमारा जो एरिया आता है ये हरियाणा का यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। और किसान साथियों, यमुनानगर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर उगाया जाता है और यमुनानगर में ही पॉपुलर की सबसे बड़ी मंडी, लकड़ मंडी, लकड़ी की मंडी सबसे बड़ी यहीं पर लगती है। सबसे ज़्यादा प्लाई हमारे यहाँ तैयार होती है यमुनानगर ज़िले में। तो हमारे यहाँ के किसान भाई जो टेक्निक अपनाते हैं, वो ये अपनाते हैं कि वो जिस खेत में पॉपुलर के पेड़ लगाए हैं, वो गन्ना ज़रूर उगाते हैं। और कुछ ये नेचुरल सी बात है या हमारा अनुभव है कि गन्ने के खेत में ही पॉपुलर के पेड़ बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं दूर तक। मैं आपको इधर साइड में दूसरा खेत भी दिखाना चाहूँगा किसान साथियों। अभी ये लगभग 6 महीने के पेड़ हैं, धीरे धीरे समय बीतने के साथ अपनी उम्र पर ये अच्छी ग्रोथ करेंगे। और किसान साथियों, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, गन्ना भी ठीक ठाक है, ये नहीं कहूँगा कि बहुत हल्का है, बहुत कमज़ोर है, दूर तक आप देख सकते हैं। ये रास्ता बीच में जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, गन्ने की फसल उगी है, काफ़ी अच्छी गन्ने की फसल, बीच में पॉपुलर के पेड़ जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं किसान साथियों। साथ ही मैं आपको एक खेत और दिखाना चाहूँगा किसान साथियों, जिसमें मेरे पड़ोस में बिल्कुल साथ में ही किसान भाई ने जीरी, जिसे बोलते हैं धान की फसल, चावल की फसल, हमारे यहाँ की भाषा में जीरी बोलते हैं, वो फसल उगाई हुई है। और ये बीज है 125, ये धान की फसल, ये जीरी का बीज जो लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं किसान साथियों। ये देखिए पूरा का पूरा खेत भरा हुआ, ये जीरी, ये धान की फसल लगाई गई थी 17 या 18 जून के आसपास। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रोथ। और इधर भी ये लंबा प्लॉट इन्हीं का है, साथ में गन्ने वाला अपना है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ कर चुका है, काफ़ी अच्छी फसल है, हष्टपुष्ट फसल है, साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन, रोग दोष से मुक्त। अब मैं अगर आपको इसकी ग्रोथ दिखाना चाहूँगा, मैं बहुत नज़दीक से, किसान साथियों ज़रा वीडियो के साथ जुड़े रहें आप, मैं दिखाना चाहूँगा आपको पास से कि 125, ये कम समय की फसल है, कितनी ये ग्रोथ करती है मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ये देखिए किसान साथियों, एक ही पौधे से कितने सारे कल्ले निकले हुए हैं, आप शायद गिन भी नहीं पाएंगे, इतने सारे निकले हुए हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। और भी दिखाना चाहूँगा मैं, इधर भी दूसरी साइड भी। ये देखिए किसान साथियों, पास से देखिए आप, एक ही पौधे से कितने सारे कल्ले निकले हुए हैं, ये देखिए किसान साथी। और इसमें मेरे अच्छे से याद है किसान भाई ने क्या डाला था इसमें, क्योंकि मैं खेत में आता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, उन्हें भी पड़ोसी हैं हमारे। इसमें उन्होंने जब धान की फसल उगाई थी डीएपी डाला था स्टार्टिंग में, धान की फसल की रोपाई होने के चौथे दिन डीएपी, साथ में आधा आधा बैग यूरिया का, एक एकड़ के हिसाब से, पर एकड़ के हिसाब से आधा आधा बैग यूरिया और एक एक बैग पूरा डीएपी का डाला था। फिर उसके 10 या 12 दिन के बाद, लगभग 12-13 दिन के बाद, इन्होंने डाला था इसमें एक एक बैग यूरिया, एक एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, एक एकड़ में एक बैग यूरिया, साथ में सागरिका और पोटाश। और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले, लगभग जब ये एक महीने की हो गई, इन्होंने इसमें एक एक यूरिया और डाला है, एक बैग पर एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों, ग्रोथ आपके सामने है, ये देखिए, नज़दीक से दिखाना चाहूँगा और भी। ये देखिए एक ही पौधे से कितने सारे कल्ले उगे हुए हैं, आप गिन भी नहीं पाएंगे किसान साथियों, इतनी ग्रोथ है। ये होती है असली मेहनत और सही समय पर उगाई गई फसल और सही ढंग से दी गई खुराक। तो किसान साथियों, आज आपको गन्ने की फसल से जुड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी बताई गई, भाई कब गन्ना उगाना चाहिए, कैसे, क्या उसमें गन्ने के बीच में पॉपुलर लगाने का फ़ायदा क्या होता है, और साथ में धान की फसल की एक्स्ट्रा जानकारी जो आज आपको दी गई है। तो किसान साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो देखकर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई और किसान भाई अगर जानना चाहे, पूछना चाहे धान की अच्छी ग्रोथ के लिए, वो भी जानकारी दे दी जाएगी, चैनल के साथ जुड़े रहना। तो आज की वीडियो कैसी लगी, आज की जानकारी कैसी लगी किसान साथियों, ये वीडियो देखकर लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करी जरूर करें। नए साथी वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें, आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक लाइक कमेंट हमें हिम्मत देता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह हूँ एक आम किसान, बस ये है कि बचपन से इस काम में जुट गए थे, इसलिए जो भी अपने अनुभव हैं वो आपको बताता रहता हूँ, आपके सामने शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। तो किसान साथियों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।